चलिए नेशन व्यू में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक शख्स की पिटाई का तमाशा देखते खाकी वालों को। तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की बताई जा रही हैं। जिस शख्स की पिटाई हो रही है उस पर सिलेंडर चुराने का आरोप है। तस्वीरों में आप भी देखिए कैसे इस शख्स को भीड़ ने घेर लिया है। किसी के हाथ में डंडा है, कोई बाल पकड़कर खींच रहा है और कोई फूसों से पिटाई कर रहा है। लोगों ने खबर की तो पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन भीड़ के आगे वो भी मानो बेबस नजर आए। कानून के रखवालों के सामने ही लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। कुछ देर बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ तो पुलिस ने शख्स को पकड़कर थाने ले गई। वैसे कहते हैं कि जिसकी हिफाजत ईश्वर करे मौत उसका क्या बिगाड़ लेगी, और चीन के हुनान प्रोविंस में बालकनी पर लटके इस मासूम के लिए ये शख्स देवदूत बनकर आया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पांचवें माले पर खेलते खेलते ये मासूम बालकनी से लटक गया। मासूम रो रहा था और उसी बीच वहां से गुजरते शख्स ने उसकी चीखें सुनी। वक्त कम था और ऊपर जाकर उसे बचाना मुश्किल, लिहाजा शख्स ने बिना वक्त गवाए मासूम तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी और एक के बाद एक बालकनी चढ़ता हुआ उस बच्चे तक जा पहुंचा, जिससे मासूम की जान बच गई। लोगों को मानसून का इंतजार था, लेकिन बादल ऐसे बरस रहे हैं कि जून के महीने में जुलाई वाली तबाही नजर आती है। क्या पहाड़, क्या मैदानी इलाके, चारों ओर पानी ही पानी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागून से आई ये हाहाकारी तस्वीरें देखिए। महज 15 सेकंड में तबाही टूट पड़ी, मानो पूरा का पूरा पहाड़ भर भरा कर जमीन पर गिर गया। बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। और अब आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अचानक मोहन डूंगरी नदी में आए तेज बहाव में दो युवक फंस गए। चारों ओर लहरों का घेरा और चट्टान पर फंसी जिंदगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस युवक को निकालने के लिए कोशिश तो की गई, लेकिन आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक दोनों जिंदगियां यूं ही बेबस खड़ी रहीं। बाद में रस्सी के जरिए इनका रेस्क्यू किया गया। वैसे ये हालात सिर्फ श्योपुर में नहीं है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों का हाल बुरा हो चुका है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और सबसे बुरा हाल है इंदौर शहर का। इंदौर में बाढ़ से नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे नदी के किनारे मंदिर में भी सैलाब ने डेरा जमा लिया है। उफान पर नदी, पुल को बहा ले जाने के लिए बेताब हैं लहरें। मंदिर के चौखट तक सैलाब का डेरा, उफनती नदी और खौफनाक मंजर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों का हाल बुरा है। इंदौर में तेज बारिश से जनजीवन बेहाल है। कई जगहों पर नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इंदौर के तेलीखेड़ा इलाके में नदी के किनारे बना एक मंदिर करीब करीब डूब गया है। डर है कि कहीं थोड़ी और बारिश हुई तो मंदिर नदी में जल समाधि न ले ले। मंदिर के पास ही नदी पर बनाए पुल, जिससे लोगों को गुजरने में अब डर लगता है। तस्वीरें देखिए किस तरह ये पुल खतरे के मुहाने पर खड़ा है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बारिश ने इंदौर का हाल बुरा कर दिया है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर 24 जून की है, जब पहली बारिश में ही दीवानी बांधनी नदी उफान पर आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे खरगोन में खंडवा हाईवे पर नदी का पानी तांडव मचा रहा है। पानी के लहर में उतरना एक युवक को महंगा पड़ गया था। उफनती नदी उसके लिए काल बन गई। युवक की लाश 5 किलोमीटर दूर नदी के किनारे मिली। हादसे के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। इस घटना के बाद दीवानी बांधनी नदी में बाढ़ के दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। इस दौरान यहां दोनों छोर पर पुलिस जवान तैनात थे, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई और लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते रहे। टीम न्यूज नेशन। वैसे बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार से गोरखपुर भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में क्या हालात हैं, जरा वो भी देखिए। पानी में डूबा डीएम दफ्तर, पानी में डूबी सड़कें, पानी में डूबी दुकानें, ये हालात है योगी आदित्यनाथ के घर उत्तर प्रदेश में। रात भर की बारिश ने शहर में त्राहिमाम मचा दिया है। हालात क्या है, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। शहर की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जरा इस अंडरपास को देखिए, ऊपर से ट्रेन तो फर्राटा भर रही है, लेकिन नीचे अंडरपास आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है और इस हालात में यहाँ से गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन है। शहर की ज्यादातर सड़कों के यही हालात, गाड़ियाँ पानी में डूब कर चलने को मजबूर हैं।
और इसी पानी में लोगों को आना जाना पड़ रहा है। लगता है जैसे पूरा शहर जलमग्न हो चुका है और इन दुकान वालों की हालत तो कहीं ज्यादा खराब है। किसी की किताब की दुकान है, कोई साइबर कैफे चलाता है, लेकिन बारिश के बाद दुकानों में कई फीट पानी भर चुका है और दुकानदार बाल्टी से पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक रात के पानी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हर सबके दुकान में पानी घुस गया है और स्थिति इतनी खराब गई है कि हर व्यापारी इतना दुखी है और उसका ना जाने अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत इतने पैसे का नुकसान हुआ है, इतनी परेशानी है कि अब बच्चों के लिए कैसे क्या किया जाए। पहले ही दो घंटे की बारिश में ये हाल है, तो आगे क्या होगा तो भगवान ही जानता है। हम लोग सुबह से बाल्टी से पानी निकालते निकालते थक गए, कम से कम 5-6 लोग निकाल रहे हैं और उससे पानी निकल नहीं रहा। लोगों का कहना है कि उनके लिए हर साल की मुसीबत बन चुकी है। 2 से 3 घंटे की बारिश में ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम धराशायी हो जाता है और उन पर टूट पड़ता है मुसीबत का पहाड़। टीम न्यूज नेशन। वैसे बारिश ने सिर्फ देश में ही तबाही नहीं मचाई है, परदेश भी आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। थाईलैंड की गुफा में फुटबॉल टीम के 12 बच्चे अपने कोच के साथ गुफा में फंसे हुए हैं, जिनकी तलाशी लगातार की जा रही है। काली अंधेरी रात में जलती लाइटें, हर चेहरे पर चिंता के बादल, हर आंख में अनहोनी का डर। गुफा में मौजूद सेना के अधिकारी, गुफा के बाहर अपने बच्चों की वापसी का इंतजार करती माँ। 5 दिनों से थाईलैंड में 13 जिंदगियों के लिए दुआएं मांगी जा रही है, लेकिन उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। शनिवार से थाईलैंड की युवा फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी अपने कोच के साथ लुआन नांग नोन गुफा में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से गुफा में पानी भर गया है और बच्चे उसी में फंसे हुए हैं। बच्चे कैसे और क्यों गुफा में गए इसकी कोई खबर नहीं। उनका पता चला गुफा के बाहर खड़ी साइकिल और उनके जूतों से। बच्चों की सकुशल वापसी के लिए थाईलैंड ने पूरी ताकत झोंक रखी है। करीब 1000 लोगों की टीम बच्चों का रेस्क्यू करने में जुटी है, लेकिन बारिश के पानी से लबालब गुफा में तलाश आसान नहीं। बताया जा रहा है कि हर पल वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, जिससे अनहोनी की आशंका गहराने लगी है। माता पिता हैरान परेशान है, तो पूरा थाईलैंड बच्चों और उनके कोच की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात झारखंड की, जहां एक अफवाह ऐसी फैली कि सुरक्षा बल और गांव वालों में ठन गई। यहां गैंग रेप के गुनहगारों की धरपकड़ में जुटी पुलिस फोर्स से गांव वाले ही भिड़ गए। बीजेपी सांसद करिया मुंडा के 3 गनर को अगवा कर ले गए। इस घटना से पुलिस महकमा हिल गया। अभी तक ये साफ तक नहीं हो पाया है कि तीनों गनर आखिर हैं कहां। सुरक्षा बलों पर पथराव करती भीड़, खेत में छिड़ गया बड़ा संग्राम। एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान। संग्राम की इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। मामला झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले का है, जहां पत्थलगड़ी समर्थकों का हुजूम सुरक्षा बलों की कार्रवाई में रोड़ा बन गया। नौबत यहां तक क्यों पहुंची, इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भारी पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम इस गांव में खूंटी गैंगरेप के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन गांव में एनकाउंटर की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव वाले सुरक्षा बलों के सामने आ गए। गिरफ्तारी के लिए हम लोग गए थे, साथ के साथ में यूसुफ कुर्ती का हम लोग पास कुर्की प्राप्त था, उसमें छापामारी की गई है और यूसुफ कुर्ती के घर की कुर्की की गई। सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा ठीक से संभाला भी नहीं था कि भीड़ में शामिल कुछ शातिरों ने लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी सांसद करिया मुंडा के घर पर हमला कर दिया। घर में मौजूद 3 अंगरक्षकों को अगवा कर लिया, उनसे 3 इंसास राइफल भी लूट ली गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें खूंटी सहित तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जो बंधक बनाने की बात है उन पुलिस कर्मियों की सर्च के लिए वहां पर लगातार अभियान जारी है। काफी संख्या में वहां पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, रैफ की भी 2 कंपनी की तैनाती की गई है, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगा। गैंगरेप के मामले में सुरक्षा कर्मियों के अपहरण कांड के बाद नया ट्विस्ट आ गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बीजेपी सांसद करिया मुंडा भी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। स्टेट का मामला तो राज्य सरकार देखती है, हाँ अगर राज्य सरकार लिख दे कि हम संभव नहीं है तब केंद्र सरकार करती है ना, इसलिए अभी तो राज्य सरकार ही है, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। दरअसल खूंटी में छात्रावास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिसमें अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन पुलिसिया एक्शन के बीच हुए नए हंगामे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गैंगरेप के आरोपियों से हमदर्दी किसे, कौन है वो,
जो आम लोगों को भड़का रहा है, झूठ फैला रहा है। टीम न्यूज नेशन। शैलजा मर्डर केस का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन कत्ल के सबूत जुटाना पुलिस के लिए अब भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। खासकर हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाला चाकू बरामद करना पुलिस के लिए अभी तक काफी मुश्किल भरा हो रहा है। कत्ल का आरोपी सामने है, जुर्म का मकसद भी करीब करीब साफ है, लेकिन कत्ल की गुत्थी फिर उलझी हुई है। दिल्ली के शैलजा द्विवेदी हत्याकांड में पुलिस की मुश्किल अब भी कम होती नहीं दिख रही। आरोपी निखिल हांडा लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में जुटा है। मौका वारदात के हर सीक्वेंस को जोड़ने के लिए पुलिस ने पूरा रूट मैप तैयार किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के जरिए क्राइम स्पॉट सीन पर मोहर लगवा ली गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने तस्दीक की है कि पुलिस की जांच में शैलजा के जमीन पर गिरने का एंगल, उस पर गाड़ी चढ़ाने से लगी चोट के निशान और गले पर चाकू का निशान भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मैच करता है। ये अलग बात है कि आरोपी निखिल हांडा पुलिस को अपने बयानों से लगातार गुमराह करने में जुटा है, जिसकी वजह से पुलिस अब तक कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू का पता नहीं लगा पाई है। चाकू और जो एक अम्ब्रेला इन्होंने बताया, जो कि डाउटफुल है कि था कि भी नहीं था, क्योंकि जो ऑफिशियल्स जिन्होंने विक्टिम को हॉस्पिटल छोड़ा था उन्होंने ऐसा कोई अम्ब्रेला देखा नहीं था। वो दोनों चीज़ें रिकवर करने के लिए आज भी हमारी टीम ने काफ़ी एफर्ट्स किया था, हमने डॉग स्क्वाड्स वगैरह की भी हेल्प ली थी, जहाँ क्यूज बता रहा है, बट कुछ और जगह हैं जहाँ पे हमें डाउट है। बुधवार को दिन भर पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से हर उस जगह की खाक छानती रही जिसके बारे में आरोपी निखिल हांडा ने बताया, लेकिन क्राइम स्पॉट बराड स्क्वायर से लेकर धौला कुआं तक पुलिस के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी। ना शैलजा का जूता पुलिस के हाथ लगा, ना कत्ल में इस्तेमाल चाकू, और इसीलिए पुलिस को उस तौलिये के वजूद पर भी शक है जिसका जिक्र आरोपी मेजर निखिल हांडा ने किया है। कपड़े की जहां तक बात है उसमें ये जरूरी नहीं है कि इसने कपड़े चेंज किए हों, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हमें नहीं लग रहा कि वो चेंज किए गए हैं, वो सेम ही कपड़े उसने पहने हैं जिनमें उनको अरेस्ट किया हमने, क्योंकि इसके कपड़ों पे कहीं पे भी खून शायद नहीं लगा था वारदात में, क्योंकि ये साइड में बैठा था और जिस तरीके से शायद वेपन का इस्तेमाल हुआ है उसमें ज़रूरी नहीं कि कपड़ों पे खून लगे। नंबर टू, जो तौलिया इस्तेमाल इसने किया है साफ़ करने के लिए, उसके बारे में इसने बताया कि इसने कहीं जलाया था, उस जगह को हमने ढूंढा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी निखिल हांडा के फोन रिकॉर्ड की जांच से ये पता लगा लिया है कि उसने वारदात के बाद किस महिला को फोन किया और उसे क्या जानकारी दी। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो बताना ठीक नहीं है। यस, उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है कि कैसे उसने जो है मर्डर किया, और महिला को फोन करने का कारण है कि वो भी उसकी दोस्त है, उसे क्यों बताया, वो उसकी दोस्त है, वो उसकी दोस्त है और आपस में उनकी काफी बातें होती हैं। कत्ल की ये वारदात शीशे की तरह साफ नजर आती जरूर है, लेकिन मर्डर वेपन के बरामद होने तक पुलिस की मुश्किलें कम नहीं, और पुलिस के पास आरोपी के रिमांड का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शैलजा द्विवेदी हत्या केस में जांच का हिस्सा पूरा हो चुका है और बरामदगी बाकी है, और यही चीज पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि मेजर लगातार अपने बयानों से पुलिस को गुमराह कर रहा है और पुलिस इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द तमाम सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में उसे मेजर के खिलाफ पेश करे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। बेभाग बयान और अलग अलग अवतार में सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप अब नए अवतार में नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सियासत से सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही नजर आने वाले हैं। कभी कान्हा के रंग में बजाई मुरली, कभी शंखनाद में दिखाया दम, तो कभी बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की रौब गांठते तेज प्रताप। अलग अलग किरदार, अलग अलग अंदाज, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, सत्ता और सियासत के बीच तेज प्रताप की ये सतरंगी दुनिया है। लेकिन तेज प्रताप नए अवतार में नजर आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है उनका नया अवतार, उसके लिए इस तस्वीर पर गौर फरमाई। रुद्रा दा अवतार, जी हाँ, ये पोस्टर है तेज प्रताप की नई फिल्म का, जिसमें तेज प्रताप लीड हीरो के तौर पर नजर आएंगे। सोलो पोस्टर खुद तेज प्रताप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। तेज प्रताप की ये फिल्म कब आएगी ये तो साफ नहीं, लेकिन तेज प्रताप फिल्म की शूटिंग में जोर शोर से लगे हैं। इससे पहले वो एक भोजपुरी फिल्म में नजर आए थे, वो भी तब जब नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। सत्ता का साथ भले ही छूट गया, लेकिन तेज प्रताप के अंदर का नायक नए किरदार में एक बार फिर दस्तक दे रहा है।
अपने अलहदे अंदाज और बेबाक बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहने वाले लालू के लाडले जल्द ही राजनीतिक मंच के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म तो बाद में आएगी, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल अभी से। रुद्रा द अवतार से तेज प्रताप को बड़ी उम्मीद है। फिल्मी दुनिया में वो लंबी छलांग लगाने का सपना सजो रहे हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आरबीआई ने एनपीए के रिकॉर्ड 12.2% तक होने की बात कही है। इसके साथ ही देश के 11 बड़े बैंकों को अपना एनपीए सुधारने की हिदायत भी दी गई है। बैंकों के बड़े कर्जदारों के फर्जीवाड़े ने आर्थिक तंत्र के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है और कर्ज की उगाही का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को लेकर आरबीआई ने गंभीर आशंका जताई है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 तक एनपीए में 1% की बढ़ोतरी होने के आसार है। बैंकों का करीब 10 लाख करोड़ ऐसे उद्योगपतियों के पास है जो डिफॉल्टर होने के कगार पर है। चिंता की बात यह है कि एनपीए में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जानकारों को भी फिलहाल एनपीए की उगाही के आसार नजर नहीं आ रहे। किसी समय में 3-4% ग्रोस जो था वो एनपीए था, और इस समय आकर के जो है इस वित्तीय वर्ष के अंदर 11.6%, जो आगे फिर फर्दर 12.2% बढ़ करके पहुंचने की उम्मीद है अगले वित्तीय वर्ष में। तो ये बहुत चिंता का विषय रहा है, और जिस तरह के ठोस कदम हमारे मतानुसार जो है वो सरकार को उठाने चाहिए, वो कदम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। वित्त वर्ष 2017-2018 में एनपीए 11.6% था, जो चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़कर 12.2% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद आरबीआई ने 11 बैंकों को अपना एनपीए सुधारने की हिदायत दी है। एनपीए के बढ़ने से सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ती है। बैंक प्रॉफिट मेकिंग के लिए आम लोगों पर ब्याज का बोझ डाल देते हैं। इसका सीधा जो असर एक आम उपभोक्ता पे पड़ता है वो ये है कि जब वो लोन लेने जाता है अपने घर बनाने के लिए या फिर कोई गाड़ी खरीदने के लिए, तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर सरकार ने सख्त कायदे कानून बनाए हैं। जालसाजों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक बैंकों का पैसा वापस उनकी तिजोरी में नहीं आता, अर्थतंत्र में सुधार के सपने अधूरे ही रहेंगे। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट लगातार बढ़ता जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट से साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन इसको रोकने में नाकाम साबित हो पा रहे हैं। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब दुनिया भर की कुछ अहम खबरें वर्ल्ड व्यू में। साउथ चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शॉन्गसी के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, अगले 48 घंटे में फिर भारी बारिश के आसार। इंग्लैंड में मैनचेस्टर के जंगलों में 3 दिन बाद भी आग पर काबू नहीं, 20 मील तक फैल चुकी है आग, रिहायशी इलाकों में मंडराया संकट। बांग्लादेश में ट्रेड यूनियन की महाहड़ताल से बिगड़े हालात, ढाका समेत कई शहरों में सामानों की सप्लाई पर असर, नए टैक्स के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मैक्सिको में 43 छात्रों के लापता होने से अमेरिका तक हड़कंप, अदालत में मैक्सिको सरकार नहीं बता पाई कोई लोकेशन, अमेरिकी एजेंसियों ने जताई अवैध तरीके से घुसने की आशंका। और अब खबरें रुपेले पर्दे की सिनेमा व्यू में। मोस्ट अवेटेड फिल्म धड़क का दूसरा गाना आज रिलीज हो गया। धड़क मराठी फिल्म सैराट की रिमेक है। सैराट के ही पॉपुलर गाने झिंगाट को धड़क में रिक्रिएट किया गया है। झिंगाट सॉन्ग को अजय अतुल ने कंपोज किया है, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इन दिनों लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। इधर उनकी फिल्म कारवां का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। ये फिल्म रोड जर्नी पर बेस्ड है, जिसमें इरफान खान एक डेड बॉडी को लेकर पूरे भारत में घूमते रहते हैं। कारवां इसी साल 3 अगस्त को रिलीज होगी। कैसे एक्सीडेंट? गंगोत्री के दर्शन करने जा रहे थे और यार अल्लाह मियां से मिलने जा रहे थे, अल्लाह मियां ने अपने पास ही बुला लिया। सच में चलिए नेशन व्यू में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।